जय हिंद दोस्तों। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लो। इन ह्यूमंस डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हम इस वाले चैप्टर को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम इसे 6 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के मैंने सब पार्ट्स किए, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फर्दर पांच पार्ट है, जिसमें इंजेक्शन से शुरू होता है और इजेक्शन इरेक्शन से एक्सक्रीशन पे ख़त्म होता है। फिफ्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स कभी भी स्किप मत करना, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो SSC हो, CDS हो, MNS हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें विटामिन्स को लेकर काफ़ी बार और जनरली हर साल पूछे जाते हैं विटामिन्स के क्वेश्चन, तो विटामिन्स के पार्ट को कभी भी स्किप मत करना दोस्तों। और लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेकेंड लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हेपेटोपोर्टल सिस्टम एंड सिक्स्थ, दैट इज़ लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पार्ट में जैसा मैंने बताया था, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस इट इज़ कंप्लीट, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहलाता है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया GIT, जिसका मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इट इज़ लाइंड बाय एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस इज लाइंड बाय एंडोडर्म लाइंड कैविटी, और इसमें आर्केंटेरॉन इज़ अ फ्यूचर गट। जैसा कि हमें पता है कि पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मोरूला बनता है, मोरूला के बाद ब्लास्टोसील बनता है, मतलब ब्लास्टुला बनता है, जिसकी कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। उसके बाद बनता है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर में जब ब्लास्टोपोर बनता है, तब इस तरह की एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी में ये जो होता है, ये ब्लास्टोसील कहलाता है, इसे एंडोडर्म कहते हैं, इसे ट्रोपोप्लास्ट कहते हैं भार वाली लेयर को। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कैविटी बनी है, इसे हम आर्केंटेरॉन कहते हैं। इस कैविटी को, ब्लास्टुला की इस कैविटी को हम आर्केंटेरॉन कहते हैं, जो कि फ्यूचर गट बनती है ह्यूमंस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। और फिर ब्लास्टुला के बाद लास्ट में जो बनता है, वो बनती है हमारी 3 जर्म्स लेयर, दैट इज़ इस तरह की कुछ, जिसमें अंदर वाली एंडोडर्म कहलाती है, बीच वाली मीजोडर्म कहलाती है और लास्ट वाली एक्टोडर्म कहलाती है। तो ये जो अंदर बना हुआ है, जो आर्केंटेरॉन फ्यूचर गट से डेवलप हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गट कहेंगे। सो दिस इज ऑल गट, और गट से हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सेकेंड पार्ट, दैट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे 5 ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स इन और माउथ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन और स्टोमक, लीवर जो बाइल प्रोड्यूस्ड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर, पेनक्रियाज, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, और काफ़ी बार पेनक्रियाज में से इसकी डिसऑर्डर्स को लेके क्वेश्चन आते हैं, लाइक इंसुलिन, डायबिटीज़, और लीवर में से ज्वेंडिस को लेकर आते हैं। और लास्ट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। बस हमें ये पढ़ना है इस वीडियो में।